गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी, तो स्टूडेंट्स मुझे एक बार बता दो, आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर है पूरा और मेरी साउंड ठीक आ रही है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसका आपको मीनिंग बताना चाहिए कि मीनिंग क्या बनेगा। ठीक, अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। देन प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी मीन्स यू पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज रह रही हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे कि हम कई बार अनुमान लगाते हैं कि शायद आज बारिश होगी, शायद हमें प्रॉपर कंफर्म नहीं है उस टाइम पे कि हमारे पास बारिश होगी या नहीं होगी। तो जब भी हम किसी बात को श्योर नहीं होते हैं, हैपनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस टाइम को हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, हम पॉसिबिलिटीज लगा रहे हैं कि शायद ये आज हो सकता है, कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। मे बी पॉसिबल और नॉट बी पॉसिबल। कोई भी इवेंट है जिसे हम बोल सकते हैं कि आज शायद बारिश की वजह से ये इवेंट रुक सकता है, शायद, यानी कि हमें पूरा श्योर नहीं है। देन हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब कोई भी आपका इवेंट हो सकता है। देन इवेंट की बात की जाए, अगर आपको इवेंट की बात की जाए कि इवेंट क्या है, देन कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा का कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इवेंट। जैसे कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है, उसकी हम कलेक्शन करेंगे, फिर उस पर हम अनुमान लगाएंगे, तो वो आपका क्या रहेगा, इवेंट। इवेंट कोई भी हो सकता है। जैसे हमारा मेन जो प्रोबेबिलिटी में टॉपिक रहता है हेड एंड कॉइन का, डाइस एंड कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपसे एचपी टेट, सी टेट, एचपी पुलिस, कब कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में टॉपिक पूछा जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ अब बात जाते हैं प्रोबेबिलिटी के हम फॉर्मूले पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से लिखेंगे हम नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की नंबर ऑफ आउटकम्स, कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज रही, और टोटल नंबर्स की कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास थी। ठीक, ये हमारे पास रहता है फॉर्मूला। इतना क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट। एक हमारे पास आता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जहाँ पे आपके पास नो इवेंट अकर, यानी कि कुछ भी आपके पास, कोई भी आपके पास आउटकम्स ना, नो इवेंट अकर, कोई भी आउटकम आपके पास ना आए, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये कुछ मेन टाइप्स थे, आप पॉइंट्स थे आपके रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रोबेबिलिटी को डाइस और
कॉइन कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपके पास कॉइन है, डाइस है, कार्ड्स हैं, इनके सहायता से समझते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी बोलती क्या है। फर्स्ट सबसे हमारा मेन रहता है कॉइन। कॉइन आपको पता है क्या होते हैं, किसी एक सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल। ठीक, हेड एंड टेल यानी कि किसी भी कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। अगर बात की जाए, अब मैं बात की जाऊंगी, अगर मैं किसी एक 1 रुपए कॉइन को उछालती हूँ तो आपके पास क्या होगा, दो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास, या तो हेड या तो टेल। ठीक, अगर मैं बोलूं कि इसी कॉइन को, जैसे मैं बोलूं कि एक कॉइन को मैं 3 टाइम उछालना, टॉस करना, 3 टाइम टॉस कर लूं, इट मींस कि जैसे मान लो ये कॉइन है, कॉइन को एक बार टॉस करने से हेड, दूसरी बार टॉस करने से, एक बार टॉस करने से हेड आएगा या टेल आएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ कि हम फिर से कॉइन को टॉस करेंगे 2 टाइम, देन हमारे पास क्या होगा, फिर से पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी, या तो हेड या तो टेल। अगेन अगर मैं फिर से, तो हेड एंड, देखो एक बार मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो आ रहा है हेड एंड टेल। अगेन मैं इस कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, हेड एंड टेल, देन टेल को कॉइन टॉस करने पे हेड एंड टेल। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हाउ मेनी आउटकम्स इफ कॉइन इज टॉस इन 3 टाइम या 2 टाइम या एन टाइम, अगर ऐसी बात बोली जाए कि अगर हम कॉइन को 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम अप टू एन टाइम टॉस करे तो क्या आउटकम आएगा, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है 2 की पावर n। n मींस अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैंने कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, तो देन फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू इज 2, यानी कि हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे, 2, लाइक देन h एंड t। ठीक, अगर मैं बोलती हूँ कि कॉइन को मैंने 2 टाइम टॉस किया, देन 2 की पावर 2, एन कितना आ गया हमारे पास, 2, देन इट बिकम्स 4। इट मीन्स कि आपके पास जब मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स को टॉस किया था तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या बन रही थी, एक बन रही थी हेड हेड, सेकंड एच की, हेड हेड एच की, हेड टेल, अगेन हमारे पास क्या बन रही है, TH, एंड लास्ट हमारे पास क्या बन रही है, TP। कितने आउटकम्स आए, 4, और हमने भी यहाँ कितना लिखा था, 4। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ यू, मतलब हाउ मेनी आउटकम्स कम इफ द कॉइन इज टॉस बाय 3 टाइम, ठीक, देन आप डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो 2 की पावर 3, इट बिकम्स टू 8 टाइम। ठीक, और अगर आप ऐसे कई बार आपको 3 टाइम पूछ लिया जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे वैल्यूज को लिखने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो कि हमारे पास कितनी आउटकम्स आएंगी, 8 आउटकम्स आएंगी, और इस डायग्राम को हम कहते हैं टी डायग्राम, कॉइन की टी डायग्राम। तो चलो इस क्वेश्चन पे हम, इस हेड एंड टेल पे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। Find the probability find the probability to getting a head if we toss the coin 1 time। अगर हम कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो फ्रेंड्स हमें क्या पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड इफ
वी टॉस द कॉइन एट वन टाइम, तो वन टाइम देख लिया जाता है, तो कॉइन हमारे पास यहाँ होगा, कॉइन का एक हेड एंड एक टेल, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स इन वन टाइम किया ना, तो हम यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन की पावर वन, यानी कि वन टाइम टॉस कर रहे हैं, यानी कि एन हियर एन इक्वल्स टू वन, देन टू की पावर वन इक्वल्स टू टू, यानी कि हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे टू। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है गेटिंग द हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हेड की बात की जाए तो हेड कितनी बार आएगा, वन टाइम आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास टू, देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी होगी वन बाय टू। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में टू टाइम, थ्री टाइम, एट थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे आपको हेड या टेल कुछ भी निकालने को बोल सकते हैं। तो ये आपका था हेड पे कॉइन के ऊपर कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं डाइस के ऊपर कि डाइस से आपको किस टाइप का क्वेश्चंस को देखना देखने को मिलते हैं। तो डाइस आपको पता है हम बचपन में बहुत खेलते थे, कुछ इस टाइप की होती है लाइक अ क्यूब स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्यूब स्ट्रक्चर एंड क्यूब इज अ 3D शेप, क्यूब के शेप्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है, यानी कि कितनी 3D शेप एंड क्यूब्स में हमारे पास क्या होता है, कुछ डॉट बने होते हैं ना इस टाइप के, वन वन टू टू थ्री, इस टाइप के डॉट्स बने होते हैं ना, फोर डॉट हो गया, फिर फाइव एंड सिक्स डॉट, यानी कि डाइस में हमारे पास क्या होते हैं सिक्स नंबर्स होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो इसपे हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। Find the probability to getting a prime number in a throw a dice. डाइस को थ्रो करने पे आपके पास कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, देन पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास, हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्राइम नंबर बोला है तो पी से हम डिनोट कर देंगे प्राइम, आप यहाँ पे स्मॉल पी भी यूज कर सकते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड पी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देन आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी हमारे पास, सिक्स डाइस होंगे ना, प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है सिक्स, इनमें से ही हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, देन उसके लिए आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, आपको प्राइम नंबर्स नंबर सिस्टम के चैप्टर में मैंने करा रखा है। देन आपके पास प्राइम नंबर कितना बन रहा है, कौन से प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं, यानी कि थ्री फाइव थ्री टू थ्री फाइव, यानी कि कितने प्राइम नंबर्स थ्री, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देन थ्री वन थ्री थ्री टू सिक्स इक्वल टू वन बाय टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स कितनी होगी वन बाय टू। तो ये हमारे पास था डाइस का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कार्ड्स के ऊपर, ना कार्ड्स का आपको पता है कार्ड्स आपके पास कितने कार्ड्स 52 कार्ड्स, तो कार्ड्स की बात कर ली जाए कार्ड्स हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमें हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, और नाउ 52 कार्ड्स को हमने फिर से फोर डिवाइड्स में डिवाइड किया होता है, फोर पार्ट में डिवाइड हुए हैं ये, फर्स्ट वन डायमंड, सेकंड वन हर्ट, थर्ड वन क्लब एंड स्पेड,
डायमंड की शेप आपको पता है लाइक दैट, हर्ट की भी आपको पता है, स्पेड मतलब जो पेड़ जैसा होता है ना, पेड़ टाइप बना होता है वो, सॉरी क्लब, एंड स्पेड मतलब लीफ पत्ता, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं और डायमंड एंड हर्ट, ये दोनों आपके पास डायमंड एंड हर्ट रेड कलर के, एंड ये दोनों हमारे पास ब्लैक कलर के कांच होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जो डायमंड हर्ट क्लब है वो आगे फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, कितने, 13 कार्ड में, 13 कार्ड में फर्दर डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं देखते हैं, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, एस मतलब इक्का, इक्का मतलब वन। नाउ ये तो होगी हमारे पास चार कार्ड, रेस्ट आपके पास नॉर्मल कार्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वन क्यों नहीं आया, वन इसलिए नहीं आया, इक्का को हम कहते हैं वन, जैक को कहते हैं टेन, क्यों इनको कहते हैं 11, वेट वेट 10 कार्ड्स आ गए ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 11 आ गए, सॉरी माय मिस्टेक, जैक को कहते हैं 11, क्वीन को 12 एंड किंग को 13। यहाँ पे हमारे पास 13 कार्ड्स पूरे कंप्लीट होते हैं। हमारे पास जो किंग, क्वीन एंड जैक, ये जो तीन कार्ड होते हैं इनको हम कहते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि इनके ऊपर फेस बना होता है, ठीक है, इस पे किंग का, क्वीन का, जैक, ठीक है, तीनों पे फेस बना होता है, एक का हम एस, एस मतलब इका, ठीक है, एस, ठीक, एस मतलब इका। नाउ तो ये जो कार्ड्स हैं वो डायमंड में, हर्ट्स में, क्लब में और स्पेड में, सभी में एक जैसे होते हैं। हर्ट में भी, हर्ट में भी 13 कार्ड्स होंगे आपके पास, क्लब में भी 13 कार्ड्स और स्पेड में भी टोटल 13 कार्ड्स होंगे, और सभी में ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे, तीन इसमें फेस कार्ड, थ्री इसमें, थ्री इसमें, थ्री इसमें। नाउ मेन पॉइंट क्या रहता है कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने हुए हमारे पास, हर किसी में कितने कार्ड्स, थ्री फेस कार्ड, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी कैटेगरी, फोर कैटेगरी, इट मींस कि हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने, 12 फेस कार्ड्स। तो हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड, हर एक में कितने फेस, हर एक में कितने कार्ड्स, 13 इसमें, 13 देन इक्वल टू 52 कार्ड्स। तो ये हमारा था कार्ड्स का टॉपिक, एक बार फिर मैं कार्ड्स को आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड्स को, हम 52 कार्ड्स को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड स्पेड। हर्ट मतलब डायमंड की शेप, सॉरी डायमंड मतलब डायमंड की शेप, हर्ट मतलब दिल की, क्लब मतलब ट्री की और स्पेड मतलब लीफ की। नाउ अब हर्ट और डायमंड और हर्ट हमारे पास रेड कलर के एंड क्लब एंड स्पेड हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। डायमंड हमारे पास क्या होता है, 13 कार्ड्स कंप्लीट करता है, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, एस एंड नाउ अनदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबरिंग वाले कार्ड्स हमारे पास होते हैं। किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं, लेकिन इसमें भी यही सेम कार्ड, इसमें भी यही गेम सेम, इसमें भी यही सेम कार्ड हमारे पास होते हैं। और फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 3 × 4, क्यों, क्योंकि 3 हम सभी में हमारे पास क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हमें कैसे आते हैं, और इससे हमें कार्ड से, प्रोबेबिलिटी से हमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमेशा ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक। तो अब हम इस पे क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग फेस कार्ड,
to find the probability to getting the face card in whole cards या in whole cards यानी कि मतलब जो भी आपका पूरा whole cards है उनमें से कितने उनमें कितने आपके पास फेस कार्ड होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ मतलब फेस कार्ड ना। फेस कार्ड की हमने भी बात करी थी, हर किसी में कितने फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड, ठीक सेम लाइक तीन एक में, तीन दूसरे में, तीन थर्ड, तीन तीसरे में, तीन चौथे में, यानी कि टोटल फेस कार्ड वही बात, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट, यहाँ पे इवेंट क्या है फेस कार्ड, अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि कितनी पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 52 पॉसिबिलिटीज है ना, कार्ड टोटल कितने हैं 52 ना। अब हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं इवेंट के, यानी कि फेस कार्ड के, हमें पता था कितने आ रहे हैं 12, नाउ कैंसिल आउट कर दो, 4 3 12 नाउ 4 13 यानी कि 3/13 हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 3/13 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है किसकी, फेस कार्ड की। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, टू गेटिंग द डायमंड कार्ड, टू गेटिंग द डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड, ठीक। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द डायमंड कार्ड, कुछ भी पूछा, डायमंड, हर्ट, क्लब, स्पेड, ये जैक, क्वीन, लाइक दैट, एस कार्ड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द डायमंड कार्ड्स, तो आपको पता है कि पूरे 52 में डायमंड कार्ड कितने हैं, 52 में हमने क्या किया है, सब डिवाइड किए हैं 4 पार्ट्स में, तो हमारे पास डायमंड कार्ड है ना, डायमंड की कैटेगरी तो एक ही है हमारे पास, वो डायमंड के अंदर आपके पास 13 कार्ड इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो हमारे पास डायमंड की कैटेगरी कितनी है 1, तो यानी कि 1/52, तो हमारे पास कितना रहेगा 1/52। अगर आपको हर्ट पूछे जाए तो हर्ट भी, और आपसे पास क्लब और स्पेड भी, लाइक ठीक। आपसे कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा सकती है। तो आपके पास एस कार्ड कितने होते हैं, हर एक में एक एक एस कार्ड होता है ना, एक डायमंड में, एक हर्ट में, एक क्लब में, एक स्पेड में, यानी कि टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 4 कार्ड्स हो गए। नाउ प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी है हमें, कार्ड्स में, तो हमें पूरी 52 में से ही निकालनी, टोटल कार्ड्स में से, तो यानी कि 4/52, तो ये आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हमने ये पढ़ा, हमने प्रोबेबिलिटी, एक बार हम जल्दी से लास्ट में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटीज, कोई भी पॉसिबिलिटी जो होने वाली हो, जिसका हमें कंफर्म ना हो, हम बोल सके कि मे बी आज ये पॉसिबल हो सकता है, मे बी आज बारिश हो सकती है। इस पे हमने कुछ पॉइंट्स को पढ़ा, उसके बाद हमने मेन पॉइंट्स, हमने डाइस, कार्ड्स एंड कॉइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। डाइस आपको पता है क्यूब की शेप में, और उसमें कितना, क्यूब की शेप में, और इसमें 1 to 6 हमारे पास नंबरिंग होती है। कार्ड्स हमें पता है 52 कार्ड्स, उसमें हमारे पास 4 डिवाइड होते हैं, हर्ट, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड स्पेड, एंड कॉइन का आपको पता है सिक्के के 2 पहलू, हेड एंड टेल। और हमें इसमें फाइंड किया कि अगर हमें बताया जाए कि हमें एन नंबर्स ऑफ कॉइन फाइंड करने हो, हम इस फॉर्मूले की सहायता से इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जो कॉइन की हम ये डायग्राम बनाते हैं, कॉइन इक्वल्स टू कॉइन हेड एंड टेल, नाउ अगेन अगर हम टॉस करें तो फिर अगेन हेड एंड टेल, टेल को किया जाए हेड एंड टेल, अगेन अगर हम टॉस किया जाए 3 times हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। तो ये जो हमारे पास जो डायग्राम होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं।
और इसे हम क्या कहते हैं, टी डायग्राम कहते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर किसी हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैथ ऐसा टॉपिक है जिसमें खुद से प्रैक्टिस, बहुत सी प्रैक्टिस करने को मिलती है। तो दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर एंड नाउ थैंक यू। नाउ थैंक यू।